आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के वीजा डेबिट कार्ड के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पेटीएम पेमेंट बैंक के वीजा डेबिट कार्ड को आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, कितना चार्ज लगता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के वीजा डेबिट कार्ड के। यहाँ से फ्रेंड आप सबको पता होगा, पहले पेटीएम आपके से रुपए का डेबिट कार्ड देता था, लेकिन उन्हें अपग्रेड करके वीजा का डेबिट कार्ड कर दिया है। अगर फ्रेंड आप पेटीएम के वीजा डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं उसके आप यहां से देख सकते हैं। इनमें फ्रेंड एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वीजा का। सबसे पहले फ्रेंड चलिए हम लोग जान लेते हैं वीजा डेबिट कार्ड लेने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर फ्रेंड आप यहाँ से पेटीएम का वीजा डेबिट कार्ड लेते हैं, ये फ्रेंड इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, यानी फ्रेंड पेटीएम का जो वीजा डेबिट कार्ड है ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट है। आप यहाँ से अपने यहाँ से कंट्री फिर आउट ऑफ कंट्री कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें से फ्रेंड आप कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये फ्रेंड कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ से आपको देख सकते हैं इसमें वाईफाई का आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, यानी यहाँ से फ्रेंड आप वाईफाई की सुविधाएं मिल जाती हैं। वाईफाई से कॉन्टेक्ट करके आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। वीजा डेबिट कार्ड लेने से फ्रेंड आप डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें देख सकते हैं बताया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट विद योर वीजा, यानी वीजा डेबिट कार्ड के साथ आप डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। प्लस फ्रेंड आप यहां से इसमें से आप लार्जेस्ट कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। यहां पे ये वाइड एक्सेबल रहता है, यहां से वीजा कार्ड डेबिट कार्ड ये लार्जेस्ट एक्सेबल नेट बैंकिंग इन द वर्ल्ड, कहीं भी आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें से देखते हैं विड्रॉल कैश फ्रॉम एटीएम, यानी आप इसे एटीएम से कहीं भी अक्रॉस एटीएम इंडिया में आप कहीं भी इसे विड्रॉल कर सकते हैं। ट्रस्टेड एवं सिक्योरिटी यहाँ फ्रेंड 24x7 आवर आपको इसमें सपोर्ट भी दिया जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं फ्रेंड पेटीएम के वीजा डेबिट कार्ड के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आप पेटीएम का फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं जो कि वीजा डेबिट कार्ड है, तो उसका चार्ज आपको कितना लगेगा। अगर फिर यहाँ से पेटीएम का वीजा डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं और आपके पास पेटीएम का सेविंग अकाउंट है, जनरली फिर आप अगर अपनी KYC कराए तो आपको पेटीएम का यहाँ से सैलरी है जो भी है, यहाँ से सेविंग अकाउंट ही ओपन होता है, आपके अकाउंट में 250 रुपये होने चाहिए, क्योंकि फिर पेटीएम यहाँ से 250 रुपये चार्ज लेता है वीजा डेबिट कार्ड के लिए। इसके बाद वो आपके एड्रेस में सेंड कर दिया जाता है। और यहाँ पर पेटीएम से रिलेटेड और अधिक आप चार्ज यहाँ से देख सकते हैं, जिनमें चार्ज के बारे में बताया गया, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस क्या है, लॉस्ट क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं और लिमिट कितना रखी गई, सभी चार्ज के बारे में आप यहाँ से पेटीएम को देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर चलिए हम लोग जान लेते हैं आप इसके अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड आपको करना क्या होगा, पेटीएम में इसको ओपन करना है, क्योंकि फ्रेंड पेटीएम वहाँ से बैंक के अंदर आपको उसे स्क्रीन रिकॉर्डर वर्क नहीं करता है, तो हम आपको स्क्रीन शॉट के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जिसे फ्रेंड आप वहाँ से ओपन करेंगे, इसके बाद आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, आप डेबिट कार्ड में जाएंगे तो वहाँ से फ्रेंड एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड का। आपको सिंपली फ्रेंड यहाँ से रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड आप रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद सबसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ से आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, आपको किस एड्रेस में मंगवाना है। फिर इसके बाद रिक्वेस्ट कार्ड का एक ऑप्शन आता है, जैसे फ्रेंड आप वहाँ से रिक्वेस्ट कार्ड लगा देंगे तो आपके अकाउंट से 250 रुपये काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपके एड्रेस में पेटीएम पेमेंट का फिजिकल डेबिट कार्ड डिलीवर करवा दिया जाएगा, फिर आपको एड्रेस तो उसे भिजवा दिया जाता है, आप बहुत आसानी से अपने एड्रेस में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से पेटीएम का फिजिकल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं वीजा डेबिट कार्ड, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया बेनिफिट्स के बारे में और कैसे आप उसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चार्ज लगता है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम करके वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक दे दिया हूँ। जितने भी नए नए अपडेट आते हैं मैं आपको टेलीग्राम में भी टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, तो आप हमें जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें, इससे होगा कि जितने भी नए नए अपडेट एवं यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। मजल में फ्रेंड एक नए वीडियो नोटिफिक तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।